बहुत थक गया हूँ, बहुत भूख लगी है। अब और तो कहीं नहीं जाना ना? दोस्तों के यहाँ जाना है, ग्रुप स्टडीज करनी है। कितना काम करता है तू, गॉड जरूर ठीक करेगा सब कुछ। गॉड ने आपके साथ कौन सा ठीक किया है माँ? छोटी सी उम्र में ही आपको विधवा बना दिया और मेरी सारी जिम्मेदारी आप पर डाल दी। बेटा जो लिखा था सो हुआ, अब आगे की सोचो। परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हो, अगर इंसान मन में ठान ले तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। पर अभी चलो ना, बहुत भूख लगी है। चलो ना, चलो। यार इमरान, कितना मजा आता है ना ऐसे साथ में पढ़ाई करके। कितना टाइम बीत गया हम लोगों को ऐसे। हाँ यार, पहले स्कूल, फिर कॉलेज और अब पोस्ट ग्रेजुएशन। एक काम करते हैं, एक ढाबा खोलते हैं, यारां दा ढाबा। वाह, क्या इरादे हैं? वहाँ पे वेज और नॉन वेज दोनों मिलेंगे, क्या कहते हो तुम सब? पहले ही आइडिया दे देती, फिर हम कॉलेज क्यों जाते? हम होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर लेते। तू ना परम रहने दे, कुछ भी बोलती है यार। और तू छट, अंग्रेज की औलाद। चल कबाब पकड़ा भी मुझे, इमरान की अम्मी बड़े प्यार से बनाती है, बे इंतहा लजीज। अरे वाह भाई परम, अरे तू तो बहुत अच्छी उर्दू बोल लेती है, क्या बात है। उर्दू तेरे प्यो की है, मैं उर्दू भी सीखूंगी, पंजाबी भी सीखूंगी, मराठी भी सीखूंगी। हाँ जी मैडम, आप सब कुछ सीख लेना और जो आपसे बचेगा वो हम लोग सीख लेंगे। यार चलो यार गाइस, आई विल बी लीविंग, मुझे चर्च जाना है तो मैं जा रहा हूँ। तो सुबह शाम दोनों टाइम चर्च जाता है, क्या बात है? कोई लड़की वड़की का चक्कर है कि जो हमसे छुपाया हुआ है? तू उसे तंग ना कर, है? अब हम चलते हैं यार, शाम को मिलना भी तो है। शाम को मिलते हैं, ठीक है? चल ओके। ओए होए परम, सारा दिन मोबाइल पे लगी रहती है, लगना है तो पढ़ाई में लग। मम्मी अभी तो आई हूँ इमरान के घर से, आप भी ना सारे दिन पीछे ही लगी रहती हो मेरे। पता नहीं ग्रुप स्टडी में क्या करते हो, पढ़ते भी हो या सिर्फ गपशप? गपशप से कभी कोई पास हुआ है और हम में से कभी कोई फेल हुआ है? हाँ हाँ पता है, कितना पास होते हो, 60-70%। वो सरस्वती को देख, उसकी तरह नंबर ला, 90-95%। पता है ना आजकल कॉलेज में रिजर्वेशंस हैं। मम्मी ये सरस्वती है पढ़ाई की देवी, इसके अच्छे नंबर नहीं आएंगे तो किसके आएंगे? और इसकी माँ प्रोफेसर है, मेरे पापा जी दुकानदार और माँ मिसेस किट्टी कौर। ओए होए जबान लड़ाती है, 60-70% से तो कॉलेज में तेरा एडमिशन होना नहीं, शादी कर देनी है मैंने तेरी। माँ मुझे कोई जल्दी शादी नहीं करनी है, मुझे तो एयर हॉस्टेस की ट्रेनिंग लेनी है और पूरा दुनिया घूमनी है। खबरदार, कोई अच्छा कोर्स कर और हमारा पिंड छोड़। अब मोबाइल छोड़ और पढ़। मैं जरा शकीला इमरान की मम्मी के साथ मॉल जा रही हूँ। बड़ी रास्कल दिल्ली के ऑटो वाले भी ना। पर तूने देखा ऑटो अपना इमरान चला रहा था? नहीं मैंने तो नोटिस नहीं किया, इमरान नहीं हो सकता, कैसे हो सकता है? वो ही था 100%। चल तब की तब देखेंगे, अभी कोई और ऑटो देखें। चल आंटी नमस्ते। अरे आ गई तुम दोनों, एंजॉय किया बेटा? थक गई होगी, लंच लगाओ। ओहो माँ बस करो, आप तो फ्रंटियर मिल की तरह चालू ही हो जाती हो, बैठने तो दो। अच्छा अच्छा सॉरी बेटा, बैठो। माँ आप विश्वास नहीं करोगे, वो जो हमारा दोस्त है ना इमरान, आज हमने उसे ऑटो रिक्शा चलाते हुए देखा। तो क्या हुआ, इसमें शर्म की क्या बात है? लड़का मेहनत कर रहा है, पढ़ाई भी, यू शुड बी प्राउड ऑफ हिम बेटा। और कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, सिर्फ हमारी सोच है। तुम नौजवान अपनी सोच बदलोगी तो देश तरक्की करेगा और देश बदलेगा। I agree mom. I too agree with you auntie. चलो अब फ्रेश हो जाओ, कुछ खा लो और पढ़ो। कैसे बनाए क्या आपने? चलो बहुत कुछ है। हेलो, तू कब आया भाई? बस अभी। यार तू न्यायती शैतान और बदतमीज इंसान है यार, डरा दिया मुझे, हार्ट फेल हो जाता मेरा। सॉरी यार सॉरी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था भाई, माफ कर दे। सही बात बता, ये इतने पैसे आए कहाँ से? बताता हूँ भाई बताता हूँ, पर तुझे तेरे खुदा की कसम है तू किसी को बताएगा नहीं, और खासकर परम और सरस को तो बिल्कुल नहीं है। बता दे। गॉड प्रॉमिस ब्रो, गॉड प्रॉमिस, आई स्वेयर टू गॉड, आई स्वेयर टू जीसस। तुझे तो मेरे घर की हालत पता ही है यार, हम इतने अमीर लोग नहीं है यार,
ऊपर से खर्चे बढ़ते ही जाते, कमी नहीं होते, और यार नौकरी भी नहीं लग रही है यार, बता क्या करूँ यार। ये तो है, हमारा भी कुछ ऐसे ही हाल है, हमारी भी घर बड़ी मुश्किल से चल रहा है। मैं भी पार्ट टाइम नौकरी करता हूँ चर्च में। अच्छा, तभी तो सुबह शाम चर्च जाना पड़ता है। हम लोग तो कुछ और ही समझते थे यार, मैं भी ना पार्ट टाइम काम करता हूँ और ये पैसे ना मेरे मेहनत की कमाई के हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है यार, वेरी गुड। करता क्या है भाई? किराए का ऑटो चलाता हूँ यार, और आज तो सरस और परम के हाथों पकड़ा जाता। बाल बाल बचा। ओए, तुम लोग कब से आओ? और ये क्या फुसर फुसर चल रही है? क्या बात है रॉबर्ट, बताओ। शर्म आती है तुझे दोस्त कहते हुए इमरान, दगा दिए तूने हम सबको। यार ऐसी कोई बात नहीं है यार, यार तुम लोग को अचानक वहाँ देख के मैं घबरा गया यार, और रुका नहीं और भाग गया। यार तुम भी इसे माफ कर दो प्लीज। बाय द वे, मुझे भी कुछ कन्फेस करना है आज। तुझे क्या कन्फेस करना है? मैं भी चर्च जाता हूँ, सिर्फ प्रेयर्स के लिए नहीं, मैं वहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करता हूँ। अरे तो इसमें छुपाने वाली क्या बात है, शर्म की क्या बात है? मैं भी तो पार्ट टाइम काम करती हूँ, आर्टिकल लिख के बेचती हूँ, और परम अपनी मॉम की हेल्प करती है इवेंट मैनेजमेंट में। तुम दोनों तो बहुत काबिल हो यार, और हम तो ऐसे ही शर्माते रहे। यार सारे सबक ना किताबों में नहीं मिलते, कुछ सबक जिंदगी भी सिखा जाती है यार। याद रखो, अगर परिस्थितियों पर हमारी पकड़ मजबूत है ना, तो जहर उगलने वाले भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जो होता है अच्छे के लिए होता है। और वैसे भी जब तक हम लोगों को नौकरी नहीं मिल जाती, तो हम लोग मेहनत करके कमाए या फिर पकौड़े तलकर। अरे मेहनत की कमाई है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, और तुम्हें पता है विदेशों में हर तरह का काम करने को तैयार होते लोग। चलो यार गाइस, मुझे निकलना है, मुझे चर्च जाना है। बाय 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 बाय, बोले तो मिल ले, ये ले मेरे भाई। यारे कहाँ रह गया इमरान यार? पता नहीं, ऑटो चला रहा होगा, पक्की बात है। गाइस सॉरी भाई, सॉरी सॉरी यार, सॉरी यार, क्या इतना सॉरी। आइए आइए बैठिए, बैठ बैठ, मेरे इंतजार था भाई। तो इमरान मियां कहाँ रह गए थे आप? अरे कुछ नहीं यार, एक कश्मीरी पंडित की सवारी थी, बहुत परेशान था बेचारा, उसे घर छोड़ के आया। सच में यार बहुत बुरा हो रहा है इन कश्मीरी पंडितों के साथ, कश्मीरी फैमिली हमारे भी फ्रेंड्स हैं, बेचारे अपने ही घर से बेघर हो गए, सब कुछ लूट गया उनका, और अब वापसी की भी कोई उम्मीद नहीं है यार। बहुत बुरी बात है जनता को जात पात के नाम पर अलग रखने की, लोग लड़ते रहेंगे और सिस्टम इसका फायदा उठाएंगे। अब देखो रिजर्वेशन, ये भी तो हम लोगों को अलग अलग ग्रुप्स में बांटने के लिए ही है। माना कि डॉक्टर अंबेडकर का आइडिया उस वक्त ठीक था, क्योंकि पिछड़ी जाति के लोग ना के बराबर पढ़े लिखे थे, तो उनके लिए केवल 10 साल का आरक्षण दिया गया था, ताकि वो भी पढ़ लिख कर उच्च जाति वालों के बराबर हो जाएं। पर अब 70 साल से ज्यादा बीत चुके हैं, और ये रिजर्वेशन का फैलाव बढ़ता ही जा रहा है। मेरे अप्पा और उनकी फैमिली ने कभी भी उच्च जाति का फायदा नहीं उठाया, ना ही जॉब के लिए और ना ही एजुकेशन के लिए, हमेशा अपनी काबिलियत से आगे बढ़े हैं और आज ऊंचे ओहदे पर हैं। लेकिन पता है मुझको क्या फिक्र है, ये आरक्षण रूपी राक्षस ना दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और सरकार ने भी तो यार हर लगभग हर जाति के लिए आरक्षण कर दिया है, और इससे सबसे ज्यादा नुकसान हम जनरल कैटेगरी वालों का हो रहा है। इसलिए तो आजकल सभी डिपार्टमेंट्स और प्रोफेशंस में लेवल बहुत गिर गया, और हमारे लिए तो कोई कोटा भी नहीं है, और अगर होता भी तो भी मैं अपनी काबिलियत के दम पर जॉब पाना चाहती। 100% सही, चलो चले फिर, कल भी मिलना है। चलो यार लेट्स गो यार, और तुम मुझे छोड़ देना। हाँ चल चल, पकौड़े खाते गरम गरम। सलाम अबू। ओ वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम बेटा, बैठो बैठो। बेटा चाय पियोगे? नहीं अब्बू, मैं पी के आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा। बेटा इमरान, तुम्हारे इम्तिहान तो खत्म हो चुके हैं। जी अब्बू। माशाल्लाह, तुम्हारा आगे क्या करने का इरादा? मतलब अब्बू मैं समझा नहीं। दरअसल बात यह है कि हमारा कारोबार कुछ वक्त से बहुत ही मंदा चल रहा है, बस यूँ समझ लो कि ठप होने के कगार पे है, और इस उम्र में हमें कोई नौकरी भी नहीं देगा। बेटा हम चाहते थे कि अगर तुम कोई अपना काम शुरू कर सको तो हमारी बहुत मदद हो जाएगी। अब्बू आप फिक्र ना करें, मैं भी ना परम के जैसे आर्म फोर्सेस ज्वाइन करूंगा। अब्बू मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ। आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने की सोच रहे हो तुम? क्या तुम पगला गए हो क्या? बेटा तुम हमारी अकेली औलाद हो, हम चाहते हैं कि तुम हमारी नजरों के सामने रहो, तुम हमारे साथ रहो, हम भी तुम्हारे साथ रहें। कोई पढ़ाई कर लो, कोई अच्छा सा कोर्स कर लो, जिससे कि इसके साथ साथ तुम कोई काम भी कर सको, इसमें हमारी बड़ी मदद हो जाएगी। अब्बू इतनी मतलब ही सोच ना रखें आप, और वैसे भी लाखों माँ बाप के सपूत आर्म फोर्सेज में, और हर कोई आपकी तरह सोचने लगे
तो फौज में कौन जाएगा अब्बू? तुम हमारी बात समझने की कोशिश करो। अब मैं ज्वाइन करूंगा, आर्म फोर्सेस तो करूंगा अब्बू। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी, पर एक बात सुन लो, जिंदगी के अहम फैसले जोश में नहीं होश में किए जाते हैं। अगर तुम्हारी मर्जी। अब्बू दोस्तों, अब तो हम पोस्ट ग्रेजुएट्स भी हो गए हैं, लेकिन नौकरी मिलने का कोई ठिकाना नहीं है। सही कह रही है तू परम, ये आरक्षण ना योग्यता का सबसे बड़ा दुश्मन है, और ये आरक्षण रख के ना हम योग्यता आधारित शिक्षा प्रणाली को खत्म करते जा रहे हैं यार। प्रतिभाशाली तो नहीं पर अयोग्य छात्रों को बहुत बढ़ावा मिल रहा है, और शिक्षा का स्तर नीचे गिरता जा रहा है। हम दोनों पिछले 4 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ना एक ढंग की नौकरी नहीं ले पाए अपनी काबिलियत के दम पर। कितने इंटरव्यू दे चुके हैं यार हम दोनों। और मुझे ही देख लो, मेरा एंट्रेंस एग्जाम इंटरव्यू बहुत अच्छा होता है, पर आरक्षित सीट की वजह से मुझे मायूस लौटना पड़ जाता है। तुम्हें मालूम है ये रिजर्वेशन कोटा की जो सीटें होती है ना, अगर भरी ना जाए तो ये किसी डिजर्विंग कैंडिडेट को मिलती नहीं है और सीट खाली रह जाती है। ना जाने कितनी सैकड़ों पोजीशंस इस आरक्षण के कारण जाया जा रही हैं, और बेरोजगारी वो तो बढ़ी जा रही है ना यार। सरकार की इस नीति के कारण ना ब्रेन ड्रेन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अरे मैं ऐसे कितने लोगों को जानती हूँ कि जिन्होंने मार्केट से पैसा इंटरेस्ट पे उठाया और अपने बच्चों को विदेश भेज दिया, और अब वो बेचारे यहाँ वापस भी नहीं आ सकते क्योंकि उनको यहाँ नौकरी नहीं मिलेगी। ये सारा फायदा किसको हो रहा है? विदेशी मुल्कों को। अब माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल जैसी कंपनियाँ वहाँ हमारे अच्छे इंडियंस काम कर रहे हैं, और इंजीनियरिंग ही नहीं यार, हर प्रोफेशन में ब्रेन ड्रेन बढ़ता जा रहा है। आरक्षण समानता के अधिकार के विपरीत है। पर तू हमेशा यार सरकार के अगेंस्ट ही बोलती रहती है। हाँ बोलती हूँ, क्योंकि मुझसे लोगों का दर्द नहीं देखा जाता, ये बेइंसाफी नहीं देखी जाती, और मैंने फैसला कर लिया है कि मैं देश की सेवा करूंगी सरहद पे जाके। मुझे एयर होस्टेस नहीं बनना और ना ही आरक्षण की इस पचड़े में पड़ना है। नाइस थॉट यार, बहुत सही है। और भाई कैसा रहा? क्या रहा, रिजर्व कैटेगरी, जनरल कैटेगरी। अरे तो इतना परेशान क्यों होती है, इसको देख ले, ये भी तो इतने दिनों से परेशान है जॉब को लेकर। यार प्रॉब्लम तुम लोगों को कहाँ, प्रॉब्लम तो हम जैसे को है, जनरल कैटेगरी वालों को। तुम लोगों के लिए तो ऑलरेडी इतनी सारी कैटेगरीज हैं, सीट पहले से ही रिजर्व रहती है, कम नंबर होते हैं जॉब मिल जाती है, एडमिशन हो जाता है, भाड़ में जाए हमारे मेहनत और मुशक्कत से लाए हुए नंबर। पर ये सब ना डिविजनरी पॉलिटिक्स है, खुश करने की पॉलिटिक्स, सिर्फ वोट बैंक बनाने के लिए। हम सिखों के लिए कुछ नहीं है, हम अपनी काबिलियत से जॉब लेते हैं, कोई कोटा वोटा तो नहीं है। पर माइनॉरिटी स्टेटस तो है परम। हमको भी कोई कोटा नहीं लेना, काबिलियत से तो मेरा मन फौज ज्वाइन करने का है, देश का सिपाही बनना है, और सेना में आरक्षण नहीं है और ना ही होने की संभावना है, सेना को इससे छूट है। तुम लोग को नेल्सन मंडेला का फेमस किस्सा और कोट पता है? क्या बताओ। जब साउथ अफ्रीका को 1990 में नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में गोरे शासकों से आज़ादी मिली थी ना, तो उनके समर्थक मुख्य रूप से अफ्रीकी ट्राइब्स ने शिक्षा, सरकारी और निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग की। लेकिन नेल्सन मंडेला ने क्या उत्तर दिया पता है तुम लोगों को? उन्होंने बोला कि किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार के आरक्षण को किसी भी कीमत पर अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि आरक्षण और आरक्षण के उत्पाद पूरे राष्ट्र को नष्ट कर देंगे। शिक्षा का पतन एक राष्ट्र का पतन है, और ये हमारे देश के लिए कितना प्रासंगिक है। और इसका तो हम सबको प्रचार करना चाहिए, भारत को मजबूत बनाने के लिए हमें आरक्षण को खत्म करना चाहिए और अपनी काबिलियत से जीवन के हर चरण में आगे बढ़ना चाहिए। और इसी संदर्भ में मैंने कविता लिखी है, जब ना रहेगा देश में आरक्षण तो ना रहेगा धर्म के नाम पर विभाजन, ना कोई हिंदू होगा, ना सिख, ना ईसाई, ना मुसलमान, भारत में रहेगा तो सिर्फ मेरा हिंदुस्तान। क्या बात है इमरान, वेरी गुड। यकीन मानिए, जिस दिन भारत से ये आरक्षण खत्म हो जाएगा ना, उस दिन भारत फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा। हाँ, आरक्षण रूपी दीमक ने हिंदुस्तान की जड़ों को खोखला कर दिया है और हमारे भविष्य को धुंधला कर दिया है। अगर देश को और खुद को बचाना है तो आरक्षण को ना कहें और अपनी काबिलियत के दम पर जीवन में आगे बढ़ें।